हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। वर्तमान समय में कई सारे ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें लोगों को गलत रजिस्ट्री करवा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं। इसी के साथ शहर में जो बिल्डिंग बनाई जाती है उनमें स्थित फ्लैट को गलत तरह से अपने नाम किया जाता है, जिस वजह से कानूनी कार्रवाई करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए रजिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, तो गलत कार्य करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा दिला सके तथा वह जमीन या फ्लैट जिसके नाम पर है करना चाहते हैं उसके नाम पर किया जा सकता है। इसमें तहसील कार्यालय तथा भू राजस्व विभाग के अधिकारी स्टैम्प पेपर के माध्यम से यह सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान तथा सरल होती है। इसे कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको रद्द करने के लिए आवेदन फॉर्म तैयार करना होगा। यह आवेदन फॉर्म भू राजस्व विभाग से प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सारी जानकारी दर्ज कर देनी होगी तथा वहाँ पर रजिस्ट्री रद्द करने का कारण भी लिखना होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। आप आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रार उन सारे दस्तावेजों को सिविल कोर्ट में भेज देगा। इसके बाद आपको कोर्ट आकर रजिस्ट्री रद्द करने का कारण बताना होगा। इसके बाद कुछ प्रक्रिया होने के पश्चात रजिस्ट्री को रद्द करवा दिया जाएगा। आसान सी प्रक्रिया अपनाकर आप रजिस्ट्री रद्द करवा सकते हैं।